अब हम धातु और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखते हैं, कुछ प्लास्टिक की बनी होती हैं, कुछ लोहे की बनी होती हैं। तो कब जैसे ऐसा लगा लीजिए टेबल है, चेयर है, तो बहुत चीज़ें, कूलर, पंखा, हर टाइप की चीज़ें हम क्या करते हैं, हम अपने चारों तरफ देखते हैं। अब उनमें से कुछ चीज़ें अलग गुण प्रदर्शित करती हैं, कुछ अलग गुण प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। जो धातु होते हैं इनके मुख्य रूप से तो ऐसे बहुत सारे गुण प्रदर्शित करते हैं, वो जो गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। बस सामान्यतः देखिए ये धातु कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, जो रंग में कैसे चमकीले वो क्या कहलाते हैं, धातु। दूसरे होते हैं अधातु, ये कैसे होते हैं, ये चमक रहित होते हैं। यानी कि जो कठोर वस्तुएं चमकीली दिखाई दे रही हैं उनको तो यहाँ पे धातु बोला गया है, और जो चमक रहित हैं उनको अधातु बोला गया। अब देखिए जो भूमि की जो सतह होती है उस पर क्या होता है, ऐसे कुछ धातुएं, धातुओं के एग्जांपल देख ले, जैसे मान लीजिए जैसे सोना है, ये पाए जाते हैं पृथ्वी की सतह पर। प्लेटिनम, इसके अलावा मैंने जब अधातु और देखते हैं, अधातु में ये तो थे धातु में सोना और प्लेटिनम, इसमें आता है जैसे सल्फर। तो ये ऐसी चीजें हैं जो क्या है अधातु के अंदर, बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि अधातु सिर्फ ये ही है। अधातु के अंदर से सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सी अधातु होती हैं। इसके अलावा देखिए ये जो कोई भी जो तत्व होता है, कोई भी तत्व प्रकृति के अंदर स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, यानी कि तत्व कैसे प्रेजेंट होंगे, स्वतंत्र रूप में। जबकि जो ये धातु और अधातु होती है ये कैसे पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में। ये संयुक्त अवस्था में यानी साथ, किसी के साथ प्रेजेंट होंगी। ये कैसे प्रेजेंट होती है, संयुक्त अवस्था में होती है। अब ऐसे देखिए मान लीजिए जैसे ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फेट है, ऐसे धातुओं में देखिए एल्यूमिनियम है, लोहा है, मैग्नीज, ये क्या है, ऐसे ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो संयुक्त अवस्था में क्या क्या हो गए, ऐसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, और धातुओं में देख लीजिए जैसे ये तो इनके थे धातुओं में से एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीज, ये कैसे हैं, ये संयुक्त अवस्था के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके एग्जांपल हैं। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से, हमारा जो पहला टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे धातु के बारे में, कि धातु क्या होता है और कैसे कैसे गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे तो हमने सामान्यतः क्या माना है कि जो रंग में चमकीला है उसको क्या बोला है हमने, धातु बोला है। जो चमक रहित है उसको क्या बोला है हमने, अधातु बोला है। और पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर कुछ धातु जैसे प्लेटिनम, सोना, ये प्रेजेंट होती हैं, और अधातु से सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये सब प्रेजेंट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इनके गुणों के बारे में। और दूसरी चीज़, धातु और अधातु कैसे पाई जाती हैं, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं ये। तो अब हम पढ़ रहे हैं धातु के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं धातु के गुण। इनकी धातु कौन कौन से गुण प्रदर्शित करता है, उसमें पहला आता है भौतिक अवस्था।
इसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे हम पहले। तो पहला आता है इसके अंदर भौतिक अवस्था। देखिए क्या होता है कि हम जब लोहे को छूकर देखते हैं तो वो कैसा महसूस होता है, वो हमें ठोस लगता है। तो उसकी अवस्था कैसी हो गई, ठोस अवस्था। आप जैसे ऐसे मान लीजिए रबड़ की कोई चीज़ है, लोहे की कोई चीज़ है, उसको छूकर देखिए, तो लोहे की किसी चीज़ को आप छूकर देखते हैं तो वो कैसी होती है, वो ठोस अवस्था में होती है। तो इनका एक मुख्य गुण क्या हो गया कि धातुएं सामान्य ताप पर, नॉर्मल जो टेम्परेचर, कैसे देखिए आप जैसे सरिया है या फिर वो जो लोहे की चीज़ें हैं वो बाहर के टेम्परेचर में पड़ी रहती है तो भी कैसी है, वो ठोस अवस्था में होती है। तो धातु का गुण क्या होगा कि सामान्य ताप पर ठोस अवस्था होती है, ठोस होती है, वो ठोस अवस्था में रहती है। पर देखिए हर चीज़ में क्या होता है, सभी चीज़ें इसके अनुसार नहीं चलती हैं, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। तो अपवाद क्या होते हैं, यहाँ पे अपवाद का क्या मीनिंग है, यानी कि जो इनसे हटके गुण प्रदर्शित करेगा उसको क्या बोलेंगे, इसका अपवाद बोलेंगे। तो इसका अपवाद होता है पारा, इसको मरकरी भी बोलते हैं। ये धातु जो होती है ये एक ऐसी धातु होती है एकमात्र जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था प्रदर्शित नहीं करती है, ये सामान्य ताप पर द्रव होती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो ये इसका अपवाद है। तो पहला गुण क्या था इनका, भौतिक अवस्था, जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था के रूप में पाई जाती हैं, कब, सामान्य ताप पर। लेकिन इसका अपवाद क्या है, पारा, पारा कैसा होता है कि वो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, वो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये था इसका पहला गुण, भौतिक अवस्था। अब दूसरा गुण आता है इसका, रंग। आप खुद भी देखते हैं कि लोहा है उसका रंग कैसा होता है, उसे धूसर रंग का या फिर उसका मुख्य रंग दिया गया है धूसर या ग्रे कलर, इनका रंग इसी टाइप का होता है। आप देखते हैं लोहे का रंग की, लोहा ऐसे ना तो काला होता है ना भूरा होता है, तो सिर्फ उसको पेंट करके ही तो चेंज किया जाता है, तो उसका मुख्य रंग क्या माना है, धूसर या फिर ग्रे कलर बोलते हैं इसको। तीसरा इसका गुण आता है इसकी चमक। ये एक अच्छा गुण है धातुओं का कि धातुएं कैसी होती हैं, चमकदार होती है, इनके अंदर क्या होती है, चमक होती है। ये धातुओं का एक और इम्पोर्टेंट गुण है। कैसे, मान लीजिए जैसे कोई लोटा है, जैसे पीतल का लोटा पड़ा है वो काफ़ी टाइम से रखा है, उस पर आप रेगमाल को रगड़ के देखिए, जो उसको साफ करने के लिए आता है उसको रेगमाल बोलते हैं, तो उस रेगमाल से रगड़ेंगे तो क्या होगा, चमकने लग जाएगा। तो क्या करती हैं धातुएं, चमकती हैं किस कारण से, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, प्रकाश का परावर्तन कर रही हैं, इस कारण से। तो धातु की सतह से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, इस कारण से वो चमकती है, प्रकाश का परावर्तन कर देती है तब क्या होते हैं उनके अच्छे से उसके अंदर चमक बरकरार रहती है और वो अच्छे से चमकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, प्रकाश का परावर्तन कर दिया है, और इस कारण उनके अंदर क्या दिखा है, प्रकाश का परावर्तन हो गया, तो जो धातु है वो कैसी होगी, चमकीली होगी। अब देखिए इनके अंदर क्या होती है, जो विशेष चमक का ये जो गुण प्रदर्शित कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, धात्विक चमक बोलते हैं। किसको बोला है हमने धात्विक चमक, धातुओं के अंदर ये जो विशेष गुण है किसका, चमक प्रदर्शित करने का, इसको क्या बोला है, धात्विक चमक। और ये कैसे प्रदर्शित कर रही हैं कि ये क्या करती हैं, इनकी सतह पर जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश का परावर्तन कर देती हैं, और जब उस प्रकाश का परावर्तन कर दिया इन्होंने तो ये क्या प्रदर्शित करेंगी, चमकेंगी, चमक प्रदर्शित करेंगी। उदाहरण के लिए जैसे सोना भी चमकता है, चांदी है वो भी चमकती है, ये तो आप देखते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में,
सोना है, चांदी है, जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम के तार आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं अपने घर में। तो ये क्या हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, धातुओं के, कि क्या करते हैं, धातुओं के अंदर चमक होती है और इनकी चमक का ये विशेष गुण को क्या बोला है, धात्विक चमक। उदाहरण के लिए आप इसको रटने की भी जरूरत नहीं है, आप देखिए धातु, धातुओं के अंदर हमने बताया कि सोना, चांदी, तांबा ये आते हैं, तो आपको धातु की चमक के अगर उदाहरण पूछे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से कि सोना भी होता है चमकता है, चांदी भी चमकती है, तांबा भी चमकता है, तो आप आराम से इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये था इसकी चमक के बारे में। अब इसका अगला गुण आता है कठोरता। आप लोहे के बने किसी भी वस्तु को छूकर देखेंगे तो वो कैसे लगेगी, कठोर लगेगी, ठोस अवस्था में पाई जाती है वो, लेकिन जब आप उसको छूकर देखोगे तो वो कैसे होगी, कठोर, यानी कि वो आप उसको अगर चाकू से काटने की कोशिश करोगे तो वो चाकू से नहीं कटेगी। क्यों, क्योंकि वो कैसी है, कठोर है। धातु का एक गुण और क्या हो गया कि धातुएं कठोर होती है। लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि सभी अलग अलग तरह की कठोरता प्रदर्शित कर रहे हैं, कैसे कि सभी जो धातु होते हैं वो पूरी तरह से कठोर नहीं है, उसके अंदर भी कुछ अपवाद होते हैं। सभी जो धातु हैं वो कठोरता का गुण अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। कैसे, देखिए हम सामान्य जैसे लोहे को देख रहे हैं तो हम कठोर होता है, सोने को देख रहे हैं वो भी कठोर होता है, पर इसके अलावा पहले तो इसके एग्जांपल देखिए, जैसे लोहा जो कठोर है वो सोना, तांबा। अब आता है इसका अपवाद, यानी कि हमने बताया था कि अपवाद क्या होगा, जो इनसे हटके गुण दर्शाएगा। जैसे जो सोडियम है, सोडियम धातु एंड पोटेशियम धातु, ये नाम है तो धातु ही, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। हम इनको चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो ये क्या हो गई, ये मुलायम धातुएं हैं। तो ये था इनका कठोरता का गुण। इसके अंदर क्या कर रही है, ये कठोरता प्रदर्शित कर रही है, लेकिन इसका भी क्या है, अपवाद है ये कठोरता का गुण। तो ये इनके गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा भौतिक अवस्था, सामान्यतः कैसे होते हैं, ठोस होते हैं, इसका अपवाद पारा होता है या फिर मरकरी। रंग कैसा होता है, धूसर होता है। चमक उनके अंदर पाई जाती है, क्यों, क्योंकि प्रकाश का क्या करते हैं, परावर्तन करते हैं। कठोर कैसे होते हैं, कठोरता प्रदर्शित करते हैं, और इसके भी कुछ अपवाद हैं जो हमने आपको बताया, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप चाकू से भी आसानी से काट सकते हो। अब अगला गुण पढ़ेंगे हम धातुओं का, ये तो पढ़ लिया हमने कठोरता तक। अब आगे आता है धातु का गुण ध्वनिकता। इसका मतलब क्या है, ध्वनिकता का मतलब है ध्वनि उत्पन्न होना। अगर मान लीजिए लोहे की कोई वस्तु है, लोहे से बनी वस्तुओं को अगर किसी दूसरी कठोर चीज से टकराया जाता है से जब इसका टकराव होता है तो उनके अंदर क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। यही इनका क्या गुण है, ध्वनिकता का गुण है, कि टकराव से क्या उत्पन्न हो रही है, इनके अंदर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ये धातु का एक और गुण है, लेकिन इसको टकराएंगे कि कैसे, किसी ठोस वस्तु से। जैसे इसका एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे घंटी है, घंटी है वो भी लोहे की बनी है पूरी, उसके अंदर का जो बजाने का होता है वो भी लोहे का बना होता है, और उसको अगर आप बजाते हैं तो आवाज आती है, तो
घंटी या फिर जो वाद्य यंत्र होते हैं ये कैसे होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो धातु का एक और गुण क्या होता है, ध्वनिकता, यानी कि इनके अंदर ध्वनि प्रदर्शित होती है। कैसे कि अगर लोहे की बनी वस्तुओं को आप किसी दूसरी ठोस चीज से टकराएंगे तो वो आवाज उत्पन्न करेंगे। अब अगला इसका गुण आता है घनत्व। इसका मतलब है कि इनका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि एक पानी की बाल्टी लीजिए, उसके अंदर आपसे लोहे की बनी कोई भी वस्तु डालिए तो वो नीचे डूब जाएगी। तो क्या होती है इनका घनत्व, या फिर जो धातुएं होती है उनका घनत्व कैसा होता है, ज्यादा होता है। कैसे, देखिए हमने आपको बताया कि आप लोहे के बने कोई भी वस्तु डालेंगे पानी में तो वो क्या होंगी, वो डूब जाएंगी। चाहे ऑल पिन लीजिए, चाहे कील लीजिए, या फिर लोहे का कोई भारी टुकड़ा लीजिए, आप उसको पानी के अंदर छोड़ोगे तो वो पानी के अंदर डूब जाएगा। क्यों, क्योंकि उनका घनत्व क्या है, ज़्यादा है, वो भारी है पानी के बजाय, तो क्या होता है वो पानी के अंदर डूब जाती है। और ऐसे अगर आप किसी प्लास्टिक की चीज़ को रखते हो तो उसकी सतह पर तैरती रहती है। तो अब इसके भी कुछ अपवाद हैं, यानी कि हर जो लोहा है हर टाइप का वो जरूरी नहीं है कि वो यही गुण प्रदर्शित करे। और हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम हर जगह पे अपवाद के रूप में है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं हैं ये कैसे होती हैं, पहले तुमने बताया कि बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसके अलावा देखिए ये वजन में हल्की भी होती है, यानी इनका घनत्व कम होता है। तो ये क्या करती है, अगर इनको जल में डाला जाता है तो ये तैरती है, ये डूबती नहीं है। क्यों नहीं डूबती है, क्योंकि इनका घनत्व कम होता है। और जब सोडियम या पोटेशियम का टुकड़ा पानी के अंदर डाला जाता है तो वो तेजी से उसके अंदर घूमता है, वो डूबता नहीं है। इसलिए क्योंकि इसका घनत्व पानी के बजाय कम होता है। जबकि धातुएं क्या गुण प्रदर्शित कर रही हैं, धातुओं में हमने बताया कि धातु का घनत्व ज़्यादा होता है, सो वे क्या करती हैं, वो पानी के अंदर डूब जाती है। तो ये कुछ इनके मुख्य गुण थे कि धातुओं के कि कैसे होती है, ध्वनि उत्पन्न करती हैं, घनत्व ज़्यादा होगा, कठोर भी होंगी और ठोस अवस्था में पाई जाएंगी, और सबसे इम्पोर्टेंट गुण क्या होगा, चमक। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे समझते हैं, पूछ ले कि धातु और अधातु किसे कहते हैं, तो आपको ये बताना है कि जो चमकीली होती हैं वो धातुएं और जो चमक रहित होती हैं वो अधातु। दूसरा हमारे से कठोरता के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं कि सामान्य ताप पर तो कठोर होती हैं, अपवाद सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पूछ ले कि कौन होता है तो मरकरी या पारा। अगला पूछे चमक के बारे में पूछे आपसे कि चमक कैसे प्रदर्शित करती है तो आपको बताना है कैसे, प्रकाश का परावर्तन करके। अगला आता है कि कठोरता, कठोर तो होती हैं लेकिन इसका अपवाद कैसे है, जैसे सोडियम और पोटेशियम ये क्या होती हैं, ये सॉफ्ट होती है। ध्वनिकता के लिए जैसे घंटी है, वाद्य यंत्र है, घनत्व के में अपवाद क्या आ जाएंगे, सोडियम और पोटेशियम। तो ये थे इसके कुछ गुण। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिसिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।